आज हम लोग आए हैं सालार जंग म्यूजियम। तो चलिए अब हम लोग उनका कलेक्शन दिखाते हैं। ये बेबी कौन है? इस गैलरी में सारी चीज हाथी के दांत से बनी। फ्रेंड्स, हर घंटे एक टॉय निकलता है। यह व्हील रेबेका यानी पर्दा नशीन रेबेका, जो कि आर्म्स एंड आर्मर गैलरी है। हाय एवरीवन, वी आर आज्म सिस्टर्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं सालार जंग म्यूजियम। और ये म्यूजियम हैदराबाद के ओल्ड सिटी में मौजूद है। और ये म्यूजियम इंडिया के 3 नेशनल म्यूजियम्स में से एक है। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए हैं सालार जंग म्यूजियम के लिए टिकट लेने। यहाँ पे अडल्ट के लिए 20 रुपीज़ है, 5 ईयर्स से नीचे के लिए फ्री है, और 12 ईयर्स तक के लिए 10 रुपीज़ है, और अगर आप कैमरा ला रहे हैं तो 50 रुपीज़। तो अब हम लोग टिकट लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ गए सालार जंग म्यूजियम के अंदर। और ये है सालार जंग सर, जिनका कलेक्शन इस पूरे म्यूजियम में है। तो चलिए अब हम लोग उनका कलेक्शन दिखाते हैं। ये है एंट्रेंस, तो चलिए चलते हैं। जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की सेंट्रल ब्लॉक के फाउंडर्स गैलरी में। कश्यप, ये जब सालार जंग 3 जब छोटे थे तुम्हारी तरह तब की फोटो है। फ्रेंड्स, ये पोर्ट्रेट है मीर उस्मान अली खान की, यानी कि लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। फ्रेंड्स, गैलरी नंबर 2, 3 और 4 में काम चल रहा है रेनोवेशन का, इसलिए हम लोग अब डायरेक्टली आए हैं गैलरी नंबर 5 में, जो कि है इंडियन टेक्सटाइल एंड मुगल ग्लास गैलरी। आइए। फ्रेंड्स, ये सब है कश्मीरी शॉल।
गैलरी नंबर 5 के बाद अब हम लोग आए हैं ये आइवरी कार्विंग्स के गैलरी में। इस गैलरी में सारी चीज़ हाथी के दांत से बनी है, तो चलिए मैं आपको सब दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सब हाथी के दांत से ही बना हुआ है। इतनी अच्छी अच्छी उस पर कार्विंग की है, वो भी उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। एकदम बारीकी से सब बना है। ये सब आजकल तो बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन उस टाइम पे भी लोग बनाते थे। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग आजकल पेपर पे पेंटिंग करते हैं, वैसे यहाँ पे देखिए हाथी के दांत पे इतनी अच्छी सी डिजाइन की है। ये देखिए, सब पूरे हाथी के दांत से बनाए गए। क्या आप लोग सोच सकते हैं उस जमाने में कैसे बनाते थे लोग। देखिए, कुर्सियाँ भी हाथी के दांत से बनी है। फ्रेंड्स, ये देवी देवताओं की मूर्ति है जो कि पूरी हाथी के दांत से बनी गई है। फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं, ये पुराने जमाने की चेस बोर्ड्स हैं, और इस पे ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये भी ये सारी गोटियां हाथी के दांत से ही बनी हुई है। फ्रेंड्स, ये है लेट मुगल आइवरी, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ इतना अच्छा आर्टवर्क, इतने छोटे छोटे आर्टवर्क्स उस टाइम पे बनाए गए थे। फ्रेंड्स, आप लोग ने दिल्ली का कुतुब मीनार तो देखा ही होगा। आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी छोटा सा कुतुब मीनार है जो कि हाथी के दांत से ही बना हुआ है। यहाँ पे इतने सारे स्कल्पचर्स हैं यहाँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हाथी के दांत यानी आइवरी की चटाई है, और ये सारे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, सब कुछ आइवरी का ही बना हुआ है, यानी कि हाथी के दांतों का। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हाथी के दांत की बनी हुई घोड़ा गाड़ी है। ये पूरे हाथी के दांत से देखिए कितने अच्छे से सब सजाया गया है पूरा। फ्रेंड्स, ये देखिए, एंशियंट टाइम की घड़ी है और ये अभी तक चलती है। फ्रेंड्स, हर घंटे एक टॉय निकलता है और जितना बज रहा होता है उतनी बार ये टॉय घंटी बजाता है। फ्रेंड्स, आप लोग ने इतने सारी गैलरीज देखी, लेकिन ये वाली मेरी फेवरेट है। ये है व्हील रेबेका, यानी पर्दा नशीन रेबेका, और ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे स्टैचूज के ऊपर, उस टाइम पे जब कोई मशीन्स नहीं थी, स्टैचूज के ऊपर ऐसी लेयर डाली गई कि वो लगता है स्टैचू के ऊपर कपड़ा डाला गया। मैं आपको एकदम क्लियरली दिखाती हूँ, आइए। फ्रेंड्स, क्या आप लोग गेस कर सकते हैं, ये एक्चुअली कपड़ा नहीं है, इसके ऊपर पत्थर से ही पूरी लेयर बनाई गई है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बाहर बताया था ना, ये देखिए, यही है वो स्टैचू। आप लोग को लग रहा होगा ये एक्चुअली कपड़ा है, बट नहीं, ये पत्थर से ही, इसको ऐसी डिज़ाइन पत्थर वो कपड़े पे आप लोग ने देखा होगा,
कपड़े पे आप लोग ने देखा होगा थोड़ी लाइंस आती है, उसको भी पत्थर से एकदम बारीकी से आर्ट दिया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको कंपैरिजन बताऊं तो ये देखिए, ये आज जो बनाया जाता है वो है, और वो देखिए कंपैरिजन, दोनों से अच्छा तो वही लग रहा है। बट वो पत्थर का बना हुआ है, मैं जब आई थी यहाँ पे, मैं फ़र्स्ट टाइम जब आई थी मैं भी एकदम शॉक हो गई थी, मुझे एकदम नहीं लगा था कि ये पत्थर का बना हुआ है। वॉकिंग स्टिक्स गैलरी है, लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल डोर है इसलिए इसको बंद किया गया है अभी, सिर्फ COVID-19 के लिए। अगर आप उसके बाद आए तो ये खुला रहेगा। फ्रेंड्स रूम नंबर 8 तो बंद था, लेकिन अब हम लोग आए हैं गैलरी नंबर 9 में, जो कि आर्म्स एंड आर्मर गैलरी है। तो चलिए अंदर। उस जमाने में जब जंग या वॉर हुआ करती थी तब ऐसे कपड़े पहने जाते थे सेफ्टी के लिए, और ये लोहे के बने हुए हैं। देखिए पूरे ये पहने जाते थे ताकि उनको कट ना हो। फ्रेंड्स ये देखिए, ये पूरा लोहे का आउटफिट, मतलब जब वो लोग वॉर में जाते थे तब वो इतने भारी भारी पहनते थे कपड़े। आजकल तो कोई 2 किलो भी सही से नहीं उठा पाता, उस टाइम सोचे वो लोग इतना वॉर में दौड़ते थे, इतना इधर उधर जाते रहते, तो वो भी इतने भारी कपड़े पहन के, लोहे के वो भी। फ्रेंड्स अब मैं आपको उनके गन्स, पिस्तौल और रिवॉल्वर का कलेक्शन दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरे पिस्तौल और रिवॉल्वर्स हैं, गन्स हैं। अब हम लोग गैलरी नंबर 10 में आ गए हैं, ये है मेटल वेयर गैलरी। यहाँ पे उस ज़माने के यूटेंसिल्स हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। गैलरी नंबर 2 है, यह है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स की गैलरी।
लेकिन ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, मैं थोड़ी थक भी गई इसलिए मैं यहाँ नहीं जा रही।